खबरों की शुरुआत लखनऊ में हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात के साथ करेंगे। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने अपने साले से खुद पर फायरिंग कराई। हम आपको बताएंगे इस वारदात की इनसाइड स्टोरी। दूसरी खबर हाथरस से होगी। छेड़छाड़ में हत्या के आरोपी गौरव शर्मा का वीडियो सामने आ चुका है, आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। तीसरी खबर बुलंदशहर की होगी, यहां रेप के बाद नाबालिग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ में हुई वारदात के साथ। मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर हुई फायरिंग मामले में हैरतअंगेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में सनसनीखेज गोलीकांड। बीजेपी सांसद के बेटे ने खुद पर चलवाई गोली। लखनऊ पुलिस ने किया सनसनीखेज दावा, सांसद के बेटे का साला पुलिस की गिरफ्त में। लखनऊ के मडियाव क्षेत्र में देर रात हड़कंप मच गया। खबर आई कि सत्ताधारी दल बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को किसी ने गोली मार दी है। वारदात के बाद जब पुलिस के साथ सांसद मीडिया के सामने आए तो दावा किया कि 30 साल का आयुष अपने साले के साथ सड़क पर टहल रहा था। तभी मंडियाव क्षेत्र के छठा मील चौराहे पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वो बता रहा कि अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है। जैसा उसने बताया कि बच्चे से मैंने बात किया है, लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है, दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको। हालांकि सांसद महोदय जिस तरह से बता रहे थे उससे पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि वारदात के कई घंटे बाद तक उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराई थी। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी की बेटी से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है। गोली लगने से जख्मी आयुष को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज की थोड़ी ही देर बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे और शक गहरा गया, लेकिन शक के बादल ज्यादा देर टिके नहीं। पुलिस कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। कमिश्नर के मुताबिक आयुष ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये घटना रात में करीब 2:10 के आसपास की है और पहले ये बताया गया कि सांसद जी के बेटे के ऊपर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमलावरण गोलियां चलाई। जब पुलिस ने तहकीकात की, इसकी विस्तृत तहकीकात की, अब तक जो तहकीकात की है उससे ये पता चला है कि सांसद जी के बेटे के कहने पर उस बेटे के साले ने उन पर गोलियां चलाई। जो बेटे के साले हैं वो हमारी कस्टडी में है, उनसे पूछताछ चल रही है। जिस पिस्टल से गोलियां चलाई गई थी वो पिस्टल भी हमने रिकवर कर ली है, पूछताछ चल रही है। अभी ये सवाल बाकी है कि पूरी साजिश थी क्या, खुद पर गोली चलवा कर वो किसे फंसाना चाहता था। बताया जाता है कि आयुष ने अपनी मर्जी से शादी की थी और शादी के बाद से वो अपने पिता से अलग रह रहा था। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे इस पूरी वारदात में दरअसल सच क्या है, क्या है इनसाइड स्टोरी, जो ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है वही सच है या फिर कबूलनामे में कुछ और बातें सामने आई। देखिए, अभी तक जो स्टोरी हम लोग की तहकीकात में सामने आई है, रात में करीब 2:10 के आसपास की घटना बताई जा रही है। पहले पुलिस को यही सूचना दी गई कि सांसद जी के बेटे के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोलियां चलाई, वो घायल हो गए हैं। पुलिस की तहकीकात वहां से प्रारंभ हुई। पुलिस की तहकीकात के दौरान ज्ञात हुआ कि सांसद जी के बेटे के साथ जब ये कथित घटना हुई उसमें उनके साले साथ में थे। फिर हम लोगों ने घटनास्थल के तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे, पूछताछ की, बात की,
तो हम लोग को शुरू प्रारंभ से ही घटना संदिग्ध लग रही थी। जब ज्यादा और पूछताछ हुई, जानकारी हुई, तो हमें वो पिस्टल, घटना प्रयुक्त पिस्टल सांसद जी के बेटे के घर से ही बरामद हो गई। और फिर जब सारी सबूतों को लेकर के सांसद जी के बेटे के साले से हमारी पुलिस टीम ने गहराई से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि सांसद जी के बेटे के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलाई थी। इनका ये भी कहना है कि सांसद जी के बेटे ने कहा कि गोली चलाओ हम पर, तो इसने मना भी किया, इनकार भी किया, फंसने की बात भी कही, खतरे की बात भी कही, तो सांसद जी के बेटे ने कहा कि मैं सब मैनेज कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। अभी तक जिसने गोली चलाई थी, जिसका नाम आदर्श है, उसने पुलिस की पूछताछ में यही बताया है, उद्देश्य के बारे में पूछा गया क्यों ऐसा कैसी घटना करना चाह रहे थे वो, तो उनके उद्देश्य के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो 4-5 लोगों को फंसाना चाहते थे, कुछ लोगों का नाम भी बताया है। लेकिन अभी पुलिस की तहकीकात उस बिंदु पर जारी है। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के सवाल है, वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, फिर हम लोग उनसे जैसे पूछताछ करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी क्यों घटना क्यों करवाई, और फिर उसके अनुसार जो हमें उनसे जो जानकारी मिलेगी और जो हम कानूनी सलाह लेंगे, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, एक बात पर और स्पष्टीकरण चाहेंगे, जो सांसद महोदय हैं, जब ये वारदात हुई उनका वर्जन बिल्कुल अलग था और कई घंटों तक इस मामले को पुलिस में दर्ज भी नहीं कराया गया, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? मैं कहना चाहूंगा कई घंटों तक ही नहीं, अभी तक भी पुलिस में कोई घटना दर्ज नहीं कराई गई है। अभी तक भी सांसद जी महोदय द्वारा पुलिस को कोई मौखिक या लिखित घटना की सूचना अभी तक नहीं दी गई है। सांसद जी के बेटे स्वयं भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर कहीं और चले गए हैं, अपने घर नहीं हैं। उनके घर पर उनकी पत्नी है, उनसे भी हम लोग की पूछताछ हो रही है, बात हो रही है, तो उसके पीछे क्या वजह है वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन हमारी जो तहकीकात है वो जारी रहेगी, और हम चाहेंगे कि सांसद जी के बेटे जब स्वस्थ होकर हमारे सामने आए, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई, घटना करवाने के पीछे क्या मंशा थी। दरअसल पूरी ये साजिश रची गई, कुछ लोगों को फंसाने की बात भी सामने आ रही है। दरअसल कौन है ये लोग, इनके नाम सामने आ रहे हैं सर, और इनसे कैसे सांसद महोदय के बेटे जुड़े हुए हैं? मैं ये बताना चाहूंगा अभी कि ये अभी सांसद जी के बेटे के साले का वर्जन है, अभी एक वर्जन ही हमारे पास है, और उसके बारे में वो डिटेल में और बता भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या रंजिश थी, क्यों उनको फंसाना चाह रहे थे, तमाम बात नहीं बता पा रहे हैं। एक बार सांसद जी के बेटे से विस्तार से पूछताछ हो जाए, तो हम लोग एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, फिर आपको सही जानकारी दे पाएंगे। सर, एक और सवाल आपसे ये कि ये अपने पिता से अलग रहते हैं, किसी तरह का कोई विवाद है पिता पुत्र के बीच में, इसी को लेकर ये घटना हुई है, क्या कुछ पता चल रहा है प्रथम दृष्टया? अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है वो केवल एक जानकारी है कि इन्होंने, आयुष ने, सांसद जी के बेटे ने, जिस पर एक कथित हमला हुआ था, इन्होंने प्रेम विवाह किया था करीब 6 महीने से 1 साल के बीच में, और उस प्रेम विवाह के बाद से अपने पिता से ये अलग रह रहे थे। अब वो वजह है या कोई और वजह है, जैसा मैंने कहा, हम लोग घटना की तहकीकात करके आपको बता पाएंगे। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। ये जो पूरी दरअसल वारदात, ये घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका अपने बेटे से कोई विवाद है, इसके चलते ये घटना हुई है? नहीं नहीं नहीं, मेरे से कोई विवाद का मैटर नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से उन्होंने शादी इसने कर लिया था, हमारे हम लोग नहीं एग्री थे, मगर वो लड़की पहले से शादीशुदा है शायद, और उम्र में भी बड़ी है। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं शादी अगर करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, हमको अपनी जिंदगी जीने दो। तो हमने कहा ठीक है, तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, लेकिन हमारा लोगों का कोई ताल्लुकात इस मैटर से नहीं रहेगा। तो उसने अपनी शादी कर ली और अलग अपना रह रहा था अपनी दीदी और साले के साथ। सर, पुलिस कमिश्नर के मुताबिक खुद पर गोली चलवाना, ये दरअसल पूरी प्लानिंग की गई और गोली खुद पर चलवाई गई, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? किन लोगों को फंसाने की मंशा से आपके बेटे ने ऐसा किया है? मुझे नहीं पता, अगर उसने ऐसा किया है तो गलत किया है। तो आपको लगता है पारिवारिक विवाद के चलते ये घटना हुई है? हमारा कोई पारिवारिक विवाद नहीं था जी, पारिवारिक विवाद तो नहीं था, वो अपना
अपने साले और अपना उससे रहता था, कभी कभार हमारे यहाँ आता भी था, लेकिन अकेले आता था। मना कर दिया था हम लोगों ने कि उसको लेकर के नहीं आओगे अपनी पत्नी को। जी। तो वो आता भी था, ऐसा नहीं है कि बातचीत भी होती थी, कोई हम लोगों का पारिवारिक विवाद नहीं था। लेकिन उसने अगर ऐसा किया जैसा उसका साला बता रहा है, और अगर ऐसा उसने घटना किया तो क्यों किया, इस संबंध में हम लोगों को जानकारी नहीं। जब से घटना हुई आपकी अपने बेटे से बातचीत हुई है फोन पर? नहीं, फोन पर नहीं, मैं तो खुद हॉस्पिटल गया था। जी। उससे मिला भी था मैं। अभी कहाँ है वो? और क्योंकि पुलिस कह रही है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घर नहीं गया। हॉस्पिटल से नहीं, वो बता के तो घर ही गया है, घर जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ नहीं, वो एक अपना अलग से एक कमरा लेकर के रहता था, फ्लैट लेकर के। कौशल किशोर जी, इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक मामला पुलिस में दर्ज नहीं कराया गया, कोई FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक पुलिस कमिश्नर के मुताबिक? हाँ, कोई तहरीर नहीं दिया है हमने। क्यों? मैंने कहा कि पुलिस अपना इसको सही तरीके से जांच कर ले, कोई निर्दोष व्यक्ति कहीं नहीं फंसना चाहिए, इसलिए सही जांच होने के बाद भी जो कार्रवाई हो वो। किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं है, पुलिस जांच करके जैसा चाहेगी वैसा करेगी, जो भी सच होगा सच के आधार पर करेगी। और सच क्या है सर, क्योंकि आप कह रहे पारिवारिक विवाद नहीं है? अरे आप अपने बेटे से मिले, आप उसको देखने पहुंचे अस्पताल, कुछ तो बताया होगा उसने? नहीं बताया उसने, मैंने पूछा उससे, बात की मैंने, पुलिस के सामने भी बात की, उसने कहा मैंने पहचाना नहीं है लोगों को। पर साले का वर्जन तो कुछ और है, वो ये कह रहा है कि गोली चलवाई गई। मैं कह रहा हूँ कि अगर साले का वर्जन सही है, अगर वो ऐसा किया है और साला जैसा कहता है, अगर ये सही है तो फिर उसकी गलती है। गलती मान रहे हैं आप, कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर उसने वास्तव में ऐसा किया है, कह के कराया है, तो निश्चित तरीके से गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डीके ठाकुर जी, अभी मेरी बात कौशल किशोर जी से हो रही थी, आपने सुनी भी होगी, उनका यह कहना है कि पारिवारिक विवाद था, लेकिन अब इस मामले में उचित कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिले और पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे। जी, मैं उनकी बातों से सहमत हूं और पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है और पुलिस सही कार्रवाई करेगी, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं बता पाए वो इस वारदात की, और ना ही अभी तक मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ है इसके लिए भी उनके पास कोई उत्तर नहीं था। जी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा उनकी बातों पर। लेकिन सर, जांच अभी तक जितनी भी आपने पूछताछ करी है उनके साले से, और साले ने कहा है कि लोगों को फंसाने की बात थी। यहां पर जब मैं कौशल किशोर जी से बात करी थी, उनका कहना था कि जब शादी हुई थी उनके बेटे की, उसको लेकर कुछ विवाद था, इस तरह की बातें भी साले ने बताई हैं पूछताछ में। देखिए, ये तो प्राइमा फेसाई आपके सामने स्पष्ट है, जैसा एक सांसद जी ने भी कहा, जैसा हम लोग तहकीकात में पता चला है कि जब से इनके बेटे ने यह विवाह किया था तब से यह अलग रह रहे थे, तो ये तो तहकीकात से पहले ही स्पष्ट है। हमारे लिए मुख्य बिंदु, जांच का बिंदु ये है कि इनके बेटे ने ये जो घटना कराई उसके पीछे क्या वजह थी, नंबर एक। नंबर दो, जो उनके साले, माने उनके साले, बेटे के साले जो बता रहे हैं कि कुछ चार पाँच लोगों को फंसाना चाह रहे थे, वही बात सही है, और यदि सही है तो उसके पीछे क्या वजह थी, ये हमारी जांच का तहकीकात का बिंदु अब रह गया है। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं कि साले का वर्जन क्या है, क्या कबूलनामा किया है उसने, सुनिए। प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाने? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि चार पांच लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं वो बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं, कोई भी हो, मेरे नालंद में बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड, इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, नाम नहीं। कभी जेल गया तुम? कभी नहीं। ये कांड तुमने खुद गोली मारी हमको?
ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डीके ठाकुर जी, अभी हम साले का वर्जन भी सुन रहे थे, उसने अपने कबूलनामे में तीन लोगों के नाम लिए हैं, कौन है ये तीन लोग? तीन नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो वीडियो में प्रदीप जायसवाल जहां तक मैंने कहा जी जी जो नाम है हमारे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये देखना जरूरी होगा कि इनके खुद का क्या वर्जन है नंबर वन, और यदि वो फंसाना चाहते थे क्यों फंसाना चाह रहे थे। अभी इनके साले के बात को 100% हम लोग सही नहीं मान सकते, जब तक उनसे पूछताछ ना हो जाए हम लोग एक अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहेंगे। सर एक बात जो और स्पष्ट करना चाहेंगे यहां पर, आप इस बात के निष्कर्ष पर अभी निकल सकते हैं कि ये मामला प्रथम दृष्टया वैसा नहीं जैसा कि प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब साला भी अपना वर्जन दे रहा है वो कह रहा है कि मुझे गोली मारने के लिए कहा गया, मैंने गोली मार दी, मुझे नहीं पता कि इसका मकसद क्या था, इसकी वजह क्या थी, हालांकि उसने तीन नाम जरूर लिए हैं, उसके बाद उससे पूछा गया कि कभी तुम जेल गए हो या नहीं, किसी के भी कहने से क्या कोई इस तरीके से गोली चला सकता है या फिर उसके लिए राजी हो सकता है, ये बात थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरती है? आप सही कह रहे हैं, आप इसलिए सही कह रहे हैं इसलिए मैं शुरू से मैं आपको एक बता रहा हूं कि अभी हमारे पास केवल एक वर्जन है। देखिए घटनाक्रम इतना तक सही है, नंबर वन कि साले ने गोली चलाई, दूसरी बात भी सही है कि पिस्टल भी बरामद हो गई। अब केवल तीसरी बात जो पता करनी शेष है, तहकीकात करनी शेष है, आखिर ये घटना उन्होंने क्यों कराई, और ये तहकीकात पूरी तभी हो पाएगी जब उनके बेटे की हम पूछताछ कर लें, और हम पूछताछ करेंगे। अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, जैसे माननीय सांसद जी ने बताया कि वो घर नहीं आए या अपने घर कहने के चले, अपने घर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, सांसद जी के बेटे के घर पर उनकी पत्नी मौजूद है, उनसे हमारी जो महिला पुलिसकर्मी उनके साथ है, तो जब तक हम उनके बेटे से पूछताछ नहीं कर लेते तब तक ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों कराई या उनके कहने पर साले ने गोली क्यों चला दी और उन्होंने गोली चलवाई तो क्यों चलवाई। जी ये सारे बिंदु तहकीकात के बिंदु हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का असम का दो दिवसीय दौरा पूरा हो गया है। अपने सियासी दौरे पर बीते दो दिन में उन्होंने कांग्रेस में जान फूंकने की पूरी कोशिश की। इन सब के बीच कल उन्होंने तेजपुर की चुनावी सभा में CAA पर भी पार्टी का रुख साफ कर दिया। कभी चाय की चुस्कियां लेना, कभी चाय बागान में खुद टोकरी लेकर चाय की पत्तियां तोड़ना, तो मंदिर मंदिर जाकर देवी देवताओं की आराधना। यूपी की अहम जिम्मेदारी संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा का ये नया सियासी तेवर है। असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें मंगलवार की हैं, जहां दिन की शुरुआत चाय बागान की इन तस्वीरों के साथ हुई। वहां महिला मजदूरों के साथ बात की, चाय पी और टी एस्टेट में खुद चाय की पत्तियां भी तोड़ी। दौरे के आखिरी दिन आखिरी कार्यक्रम तेजपुर में तय था। चुनावी सभा में प्रियंका का संबोधन था, लेकिन देर होने की वजह से प्रियंका रैली स्थल तक पहुंचने के लिए दौड़ती नजर आई। हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, लिहाजा प्रियंका ने फौरन स्टेज संभाला। इसी मंच से उन्होंने ऐलान किया कि असम में कांग्रेस सत्ता में आई तो CAA को रद्द करने के लिए उनकी सरकार नया कानून लाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहाँ पे का लागू नहीं हो पाएगा। असम के चुनावी संग्राम में कूदी प्रियंका ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि असम को ना तो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चाहिए और ना ही डबल इंजन वाली। देखिए मैंने पहले अपने भाषण में भी कहा है, असम के अस्तित्व की बात है, किसी को ना डबल इंजन चाहिए, ना रिमोट कंट्रोल का CM चाहिए, ना डबल CM चाहिए। उनको चाहिए एक नेता, एक CM जो एक पार्टी जो उनके अस्तित्व को बचाकर उनके भविष्य के लिए काम करे।
दो दिन के असम दौरे पर प्रियंका तेजपुर के महाभैरव मंदिर भी गई। उससे एक दिन पहले उन्होंने कामाख्या मंदिर जाकर भी दर्शन किए थे। असम के तेजपुर से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी अपने अभियान को और आक्रामक करने में जुट गई है। मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार हो चुका है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य बड़े चेहरे भी ममता बैनर्जी की घेरेबंदी के लिए बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। वंदे 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 वंदे, जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के अंदर जो भी तुष्टिकरण की राजनीति है, हम बहुत तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लपके हाथ में। बंगाल में ममता को घेरने का बीजेपी प्लान, करीब 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन बंगाल के लिए रण में उतरेंगे कई केंद्रीय मंत्री। टीएमसी को खुला चैलेंज करने के इरादे से बीजेपी का अचूक प्लान तैयार है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। वैसे तो चुनावी महासमर से पहले ही पीएम मोदी ममता सरकार पर हमला बोल चुके हैं, अब लड़ाई उससे आगे की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तैयारी है कि पीएम मोदी की 20 चुनावी सभाओं के जरिए बंगाल के सभी 23 जिलों के वोटरों को एकजुट किया जाए ताकि बीजेपी 2021 की पहली अग्नि परीक्षा में पास हो सके। असम में भी प्रधानमंत्री मोदी की 6 रैलियां प्रस्तावित हैं। बंगाल चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को होने जा रही है। उस दिन कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता पीएम की 7 मार्च वाली रैली की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। पार्टी कह रही है कि पीएम की कोलकाता रैली इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल पीएम मोदी की उम्मीदें नहीं तोड़ेगा और इस बार ममता की गद्दी छिन जाएगी, पार्टी इतिहास रचेगी। लेकिन टीएमसी बीजेपी की उम्मीदों को महज ख्वाब बता रही है। गुजरात बांग्ला शासन करवे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करवे, गुजरात बांग्ला शासन करवे ना, मोदी बांग्ला शासन करवे ना, गुंडारा करवे ना। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज से बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम में पार्टी होच्छे सीधा उनसे कथा है नहीं, अपन उनका नाम ऐसे। बीती रात कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने टिकट बंटवारे पर मंथन किया जिस पर आखिरी फैसला दिल्ली में लिया जाना है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पॉल मिसाहा के साथ अनुपम मिश्रा आज तक। चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से सहयोगी श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी को सीज फायर समझौता हुआ। आज तक ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा कर सीज फायर के लिए राजी हुए पाकिस्तान के इरादों का रियालिटी चेक किया। कभी आज तक कमी नहीं आई है अलर्टनेस में और न कभी कभी होगी और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ২০০৩ में सीज फायर समझौते के बाद 2020 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर के समझौते का पालन करने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान के इस वादे का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस समय हम सांबा सेक्टर में मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग है और अगर आप उस तरफ देखें तो ये जीरो लाइन
जिसके ठीक पीछे पाकिस्तान की पोस्ट है। हम इस समय एक आड़ में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पाकिस्तान के गलत हरकतों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जो कोरोना के समय में जो पूरा एक साल बीता है और जो सीज फायर वायलेशंस की अधिकतर घटनाएं हुई हैं उसमें सांबा सेक्टर बहुत प्रमुख था। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है और दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है कि सीज फायर का जो समझौता 2003 का था उसे बिना किसी शर्त के वापस बरकरार रखा जाएगा, तो यहां पर किसी भी तरीके से अलर्टनेस में कमी हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि भले ही समझौता एक तरफ हो लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान का जो इतिहास है वो भी है। इसीलिए बीएसएफ के जो जवान है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पूरे इलाके में अपनी चौकसी बनाए हुए हैं। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 फरवरी की रात से साल 2003 के सीज फायर समझौते को नए सिरे से लागू किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की तरफ से सभी सेक्टर्स में संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आईबॉल टू आईबॉल पोस्ट्स जो कहते हैं बिल्कुल, यानी कि दुश्मन जो है वो ठीक आपके सामने है और उन मोर्चों पर 24 घंटे आप लोग यहाँ पर बाय रोटेशन तैनाती रखते हैं। जी सर जी, मतलब चाहे कोई मौसम हो कैसा भी हो कितनी भी शेलिंग चल रही हो ये तैनाती आपकी यहाँ पर रहती है, यही बसेरा और यही ड्यूटी। मैम 24 आवर्स हमारे जवान यहाँ रहते हैं, मैं कमांडर, तो देश की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है हमें बखूबी निभा रहे हैं उसे। यहाँ पर अपनी जान तान जो भी हमें जो भी निशावर करने पड़ा देश की सेवा के लिए हम वो करेंगे। बात सिर्फ सीज फायर तोड़ने की नहीं है, पाकिस्तानी फौज भारत को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहती है। फिर चाहे ड्रोन के जरिए कश्मीर में आतंकियों के लिए हथियारों की सप्लाई का प्रयास हो या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश, पिछले 6 महीनों में ही सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंगों का पता लगाया जा चुका है जिसके जरिए पाकिस्तानी फौज भारत में आतंकवादियों की सप्लाई की कोशिश कर रही थी। हम टनल में काफी आगे के हिस्से में हैं इस समय, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसे कार्व किया हो, इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी क्योंकि बाकायदा लगभग अगर आप इस हिस्से में भी देखें तो लगभग 2.5 फुट का ये खुला हिस्सा है जिसमें मैं अपने इस तरीके से बैठकर और आगे बढ़ सकती हूं। जहां पर संकरे हिस्से भी हैं वहां पर आप कोहनी के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने की बात ये कि इस तरह का जो सुरंग है, इस तरह की जो सुरंग है उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है, बिना पाकिस्तानी सेना के नॉलेज के उनकी जानकारी के इसे इस तरीके से खोद पाना संभव ही नहीं है। अलग अलग अब पूरा पीछे पीछे जहां से मैं होते हुए आई हूं अभी वो पूरा हिस्सा आप देख लीजिए कि चलने के लिए आपके लिए मुमकिन है, कुछ देर आप बैठ के सुस्ता भी सकते हैं। पूरा अगर पूरी इसकी लंबाई देख लें तो लगभग 150 मीटर जिसमें से पाकिस्तान के की सीमा में मुश्किल से 40 मीटर का हिस्सा, 30 से 40 मीटर का हिस्सा, यानी उनके जानते बूझते उनके जो सेना है उसकी जानकारी में इस टनल को खोदा गया होगा। ये टनल कैसा है सर? ये थोड़ा बहुत एक तरह से कहें तो विस्तृत लग रहा है, लग रहा है कि एक एंट्री दूसरी एंट्री। जब इस एरिए के अंदर हम जो एंटी टनलिंग ड्राइव चला रहे थे तो एक जो है छोटा सा होल दिखाई दिया, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के ऊपर जो है थोड़ा सा डिक करने के ऊपर देखा गया कि कुछ एक जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके, हाँ जी, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा होल है और ऐसे ही जैसे ये होल है इसके साथ साथ जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके ऊपर जो है इसको कंसील करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान कराची मार्किंग के जो है प्लास्टिक बैग्स उनके अंदर अर्थ फिल करके मिट्टी फिल करके उसको ऊपर से ब्लॉक किया होता। सीजफायर समझौते को सख्ती से लागू करने के समझौते के बाद से सरहदों पर गोलाबारी नहीं हो रही, लेकिन गोलाबारी के अलावा बॉर्डर पर ऐसी और भी कई हदें हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज लांघती आई है। इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसकी हद याद दिलाने के लिए बीएसएफ तत्पर है। बातचीत के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि 2003 वाले जो सीज फायर है उसका सम्मान करें और अब नहीं हो फायरिंग यहां पर। क्या हमारी एटीट्यूड में, हमारे स्टांस में कोई परिवर्तन आता है इससे? देखिए, जहां तक जम्मू बॉर्डर
कि हम बात करते हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस में और हमारे रिस्पांस में वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुआ है, लेकिन जम्मू बॉर्डर के ऊपर सिर्फ सीज फायर वायलेशन ही नहीं हैं, दूसरे क्राइम्स भी हैं जो यहाँ पर होते हैं, जैसे इलीगल इंट्रूजन्स हैं, स्मगलिंग हैं और कुछ एक ड्रग रिलेटेड खासकर जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हमको उन सब चीजों को लेके सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाए हैं कि पाकिस्तान को नानी के साथ साथ सीज फायर समझौते की शर्तें भी याद आ गईं, लेकिन वो ये सबक और शर्तें कब भूल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के ये जवान पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर गड़ाए तैनात। पाकिस्तान की तरफ से अगर सीज फायर वायलेशन किया जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आतंकियों को सीमा में प्रवेश करना है, उसके बहुत गलत मंसूबे हो सकते हैं। जैसे जिस इलाके में हम इस समय खड़े हैं यहाँ पर विकास का कुछ कार्य हो रहा है, जिसकी अगर हल्की सी भी आहट पाकिस्तान को लगती है तो लगातार उस तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो शुरू हुई। ये एक ऐसी बीओपी है जिसकी लोकेशन तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप दीवारों पर देखें तो आपको उस पूरे निशान आप देख सकते हैं, वो पूरे शेलिंग के निशान आप देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो दर्ज हैं इस शेलिंग के हिसाब से। लेकिन जब से बातचीत हुई है डीजीएमओ स्तर की और उसके बाद ये तय हुआ है कि नहीं होगा सीज फायर वायलेशन किसी तरह का, उस समय से कम थोड़ी सी शांति इन इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद सतर्कता हमारे बीएसएफ की, हमारे तमाम सुरक्षा बलों की पूरी रहती है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, जम्मू आज तक।